जब 14 दिन के रिमांड कोर्ट ने तय की, 14 दिन के रिमांड मंजूरी दे दी कोर्ट ने, 14 दिन की रिमांड की, तो फिर वहीं पर अतीक अहमद कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोने लगा, रोते रोते अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, वहीं जमीन पर बैठ गया कोर्ट में, और उसके इर्द गिर्द कोर्ट में योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये तस्वीर आप देखिए अतीक अहमद के बेटे असद की, जिसका एनकाउंटर हुआ है। यूपीएसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, डीएसपी नुवेंदु और साथ ही डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ हुई। उमेश पाल हत्याकांड में फरार और माफिया अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर। यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में असद को ढेर किया है और साथ ही सहयोगी गुलाम को भी ढेर किया गया है। असद और गुलाम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मिताली चंदोला मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर। मिताली, आपके पास क्या और अपडेट है इस खबर से मुतालिक? देखिए, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एसटीएफ के हाथ जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है, दोनों को जो है एनकाउंटर में मार गिराया है। और एनकाउंटर के बाद मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि असद और गुलाम के पास से जो है ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्जर पिस्टल बरामद हुई थी, और ये जो है पारीछा डैम इलाके में दोनों के दोनों छुपे हुए थे। काफी लंबे टाइम से जो है यूपी पुलिस को इनकी तलाश थी। आपको बताना चाहूंगी बीते दिनों में इससे पहले दिल्ली की जो स्पेशल सेल है उन्होंने भी उन लोगों को गिरफ्तार किया था जिन लोगों ने इन दोनों को ही जो है अपने इलाके में अपने घरों में जो है पनाह दी थी। आपको एक और अहम बात बताना चाहूंगी कि ये पारीछा डैम जो है झांसी में एक क्षेत्र पड़ता है उसके पास है, वहां पर ये दोनों की दोनों छिपकर बैठे हुए थे। पुलिस की टीम अभी भी इलाके में जो है कॉम्बिंग कर रही है और एसटीएफ ने जो है इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है तकरीबन 30 किलोमीटर लोकेशन से पहले। तो जब इन्हें मार गिराया तो एक बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ में लगी, लेकिन उसके बाद भी ये एसटीएफ के दिमाग में था कि और भी ना जाने कितने लोग होंगे। तो अभी भी उसके चलते जो है उस इलाके में जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, कॉम्बिंग चल रही है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इनके जिस तरीके से बातें हो रही थी, जो दिल्ली के स्पेशल सेल ने जब इनको जो है छापेमारी करी थी और जहाँ पे जिन लोगों ने इनको पनाह दी थी उन्होंने इनको हथियार भी बरामद करवाए थे, तो उसके चलते ही जब सारी चीजों का खुलासा हुआ तो अभी जो मौके वारदात पर इनके पास से पिस्टल्स बरामद हुई है, रिवॉल्वर बरामद हुई है, एक ब्रिटिश मेड जो बुलडॉग रिवॉल्वर है वो और वॉल्जर पिस्टल जो है ये दो चीजें बरामद हुई है। जी मिताली, जिन लोगों ने इन्हें पनाह दी थी, हथियार भी मुहैया कराए थे, उनके बारे में दर्शक जानना चाह रहे हैं कि उनके बारे में और क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, अब क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम मोदी देख सकते हैं? यकीनन ज्योत्सना, आपको बताना चाहूंगी ये जो है लगातार इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन पुलिस का देखने को मिला है, और अभी 3-4 दिन पहले की ही खबर थी जब दिल्ली के स्पेशल सेल ने जो है लगातार छापेमारी करी थी जिसमें उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार करा था। पूछताछ के दौरान कई अहम चीजें और कई सुराग मिले थे जिसके चलते जो है उन्होंने आपस में ही ये इंफॉर्मेशन शेयर करी थी, जिसकी ही आज एक ये नतीजा है कि इतनी बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ के हाथ लगी है। जिन लोगों ने इनको पनाह दी थी जो दिल्ली से ताल्लुक रखते थे उन लोगों को जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। रही बात अभी झांसी के एरिया की, जिस इलाके में इन लोगों ने पनाह ली थी वहां पर चप्पे चप्पे पर यूपी की एसटीएफ जो स्टेट पुलिस है, वहां की जो लोकल पुलिस है उसके कोऑर्डिनेशन के साथ जो है अभी भी चीजों का पता लगा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी और कितने लोग थे इनके साथ जिन्होंने इनको पनाह दी थी और हथियार बरामद कराए थे, तो वो अभी एक जांच का विषय है यूपी के मुताबिक। लेकिन अगर बात करें तो आज यूपी एसटीएफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। बिल्कुल मिताली, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बड़ी सफलता है। यूपी पुलिस लगातार इस मामले में अपनी कार्रवाई को आगे भी बढ़ा रही है, जो लोग फरार है उनकी तलाश भी की जा रही है। मिताली, अब से थोड़ी देर पहले एसटीएफ डीआईजी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा कि और जितने भी लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं सबके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई होगी। देखिए, ये तो एक उन्होंने अपनी पुलिस का जो एक्शन है वो बताया है, लेकिन उससे भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज सुबह हमने ही ये खबर ब्रेक करी थी, अभी ईडी का जो शिकंजा है वो भी जो है इनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ईडी का भी मैंने सुबेरी ही अपडेट दिया था, अतीक अहमद ने जितने भी इलीगल तरीके से जो है पैसे इकट्ठे करे थे और क्या कहते हैं इन लोगों ने जहां जहां जिन लोगों को जो है एक्सटॉर्शन के तहत जो है इन लोगों ने पैसे जो है लोगों से लिए थे, जमीनें, लैंड, ये सारी चीजें।